हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर वायरल हो रहा है उसके बारे में। बहुत लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कमेंट सेक्शन में। बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि भाई 5 अप्रैल का मैम एक लेटर है ईसीआई का, प्लीज़ उसके बारे में बताएं, ये वायरल हो रहा है, प्लीज़ उस पर चर्चा करें उसके संदर्भ में जो पहले लेटर लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उन्होंने ये लेटर लिखा था, यानी नवलजीत कपूर ने, जो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उन्होंने 26 मार्च 2024 को एक लेटर लिखा है। अब उस लेटर में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था उसका हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन उस लेटर में ज़रूर यही पूछा गया था कि क्या एमसीसी एंगल से या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई ऑब्जेक्शन है अगर ये लोग ज्वाइनिंग के प्रोसेस को, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को ईएमआरएस वाले अगर आगे कैरी ऑन करते हैं, स्कूल अलॉटमेंट कर रहे हैं, कुछ भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ईएमआरएस के, क्या कोई ऑब्जेक्शन है? अब आप बोलोगे कि मैम जब आपके पास रेफरेंस नहीं है तो मैडम आपको कैसे पता कि ये लिखा हुआ है? चलो मैं अब आपको समझाती हूँ। देखिए, 26 मार्च को 2024 को नवलजीत कपूर द्वारा, जो एडिशनल सेक्रेटरी है वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, उनके द्वारा यही लिखा हुआ था उस लेटर में, क्योंकि इसी को रेफर करते हुए जो सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं यानी नरेंद्र भुटोलिया जी हैं, उन्होंने ये सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, 5 अप्रैल 2024 को एक लेटर एड्रेस किया है टू द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और उन्होंने यही लिखा है कि देखिए, जो हमसे एडिशनल सेक्रेटरी ने यानी नवलजीत कपूर जी ने हमसे पूछा है 26 मार्च 2024 के लेटर द्वारा कि भाई क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई ऑब्जेक्शन है अगर हम अपने इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को आगे कैरी करते हैं, तो क्या एमसीसी एंगल से यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंगल से कोई परेशानी होगी या कुछ दिक्कतें आएंगी? तो इसको ही क्लैरिफाई करते हुए जो ये सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नरेंद्र भुटोलिया जी, उन्होंने अपना लेटर एड्रेस किया है 5 अप्रैल 2024 को और लिखा है टू द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कि हमें जो कि है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एमसीसी एंगल से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ये एड्रेस किया है कि भाई हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें इलेक्शन कि ये जो चरण बाय चरण, फेज बाय फेज जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं ईएमआरएस के अंडर लोगों की, तो इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर एक कंडीशन उन्होंने मेंशन कर दिया है अपने इसी लेटर को, इसी लेटर में जो 5 अप्रैल को उन्होंने एड्रेस किया है टू द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, कि भाई इसके थ्रू या इसके द्वारा आप कोई पब्लिसिटी या फिर कोई पॉलिटिकल माइलेज, दैट इज आप कोई पब्लिसिटी या आप कोई एडवर्टाइजमेंट प्रोपोगंडा नहीं इसमें करोगे इससे रिलेटेड, हमें बस एक ये आपको सूचित करना है, आप इससे रिलेटेड कोई पब्लिसिटी का आप ये नहीं बीच में लाओगे अपने इस इलेक्शन प्रक्रिया में, आप जो ज्वाइनिंग करवा रहे हो वो मात्र ज्वाइनिंग से रिलेटेड होगा, आप उसके लिए कोई पब्लिसिटी कर रहे हो, कोई आप एडवर्टाइजमेंट ला रहे हो, वो आप बीच में नहीं लाओगे, बाकी अगर आप अपने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को आगे कैरी ऑन कर रहे हो, रिक्रूटमेंट को कर रहे हो, तो हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारे इलेक्शन के द्वारा लागू किया गया है उसमें आपके इस रिक्रूटमेंट या ज्वाइनिंग से कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि एडिशनल सेक्रेटरी ने यही पूछा था अपने 26 मार्च 2024 के लेटर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी है नवलजीत कपूर जी, जिसका रिप्लाई किया है सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नरेंद्र भुटोलिया जी, और उन्होंने एड्रेस किया है अपना 5 अप्रैल 2024 का लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, कहते हुए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने से या इलेक्शन की प्रक्रिया चलने से हमें आपके ज्वाइनिंग या रिक्रूटमेंट करने से कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड ना करें। तो आई होप कि मैंने जो ये कंफ्यूजन हो रहा है या जो ये लेटर या जो ये नोटिस वायरल हो रहा है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटर को लेके जो 5 अप्रैल को निकला है, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अब आपको समझ में आ चुका है कि कहीं से भी आपके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को रोका नहीं जा रहा है
और नेस्ट जो ऑटोनोमस बॉडी है वो बिल्कुल स्मूथली एंड स्टेडली अपने काम को आगे बढ़ा रही है, रिक्रूटमेंट्स कर रही है। तभी तो उन्होंने रिक्रूटमेंट, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कंसल्टेंट ग्रेड वन जो स्पेशलाइजेशन जिन्होंने कर रखा है फाइनेंस में, उनके लिए भी पोस्ट निकाला है और उनके लिए भी वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और रिक्रूटमेंट का जो लास्ट डेट है, एप्लीकेशन भेजने की जो लास्ट डेट है, वो भी 22 मई 2024 की ही है। यानी इलेक्शन चल रहा है उसी बीच में, जबकि अगर उन्हें रोकना होता या उन्हें रिक्रूटमेंट से कुछ भी परेशानी हो रही होती, दिक्कत हो रही होती, तो वो 1 जून के बाद करते। पर वो कह रहे हैं कि नहीं, आप अपने एप्लीकेशन सेंड करो, और लास्ट डेट भी उन्होंने 22 मई का रखा है, तभी तो नेक्स्ट ये रिक्रूटमेंट भी कंडक्ट कर रहा है। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर भी कैरी होगा, और इसी तरह से जो की है नेस्ट अपने वर्क को स्मूथली एंड स्टेडली करता चला जाएगा। तो फॉर सच अपडेट्स प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।